हेलो फ्रेंड्स, asosumkitchen.com में आपका स्वागत है। फादर डे स्पेशल डे में आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट रसमलाई, वो भी स्टफ वाली रसमलाई की रेसिपी। तो इस फादर्स डे पे आप इस रसमलाई की रेसिपी को एक बार बना के जरूर ट्राई करें, अपने फैमिली में भी सर्व करें, देखना सबको ये स्टफ रसमलाई की रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी और खाने में इसका स्वाद मार्केट की रसमलाई को भी फेल कर दे, इस तरह से मैंने इसे बनाया है। तो आप इस रेसिपी को प्लीज पूरा देखें, पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि आपसे मेरी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, आप मेरे वीडियोस इसी तरह से देखते रहें। तो इस फादर्स डे पे बनाना स्टार्ट करते हैं टफ वाली इंस्टेंट रसमलाई। सबसे पहले हम रसमलाई के लिए रबड़ी बना के रेडी करेंगे, जिसको बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 1 लीटर गाय का दूध डाल दिया है। मैंने इसको पहले से बॉईल नहीं करा है, अगर आपने पहले से बॉईल करा है तो भी चलेगा। और मैं यहाँ पे इसे रॉ ले रही हूँ, मतलब मैंने इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं करा है। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम एक उबाल आने देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हाफ कर लेंगे। अगर आप अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं तो इसको स्लो कर दें, मतलब लो टू मीडियम कर दें, तो इसको आप ओकेशनली चलाते रहें बीच बीच में। बस दूध जो है तले पे चिपकना नहीं चाहिए, इसीलिए हो सके तो मोटे तले की कढ़ाई का आप इस्तेमाल करें। और आपके साथ मैं यहाँ पे एक बार शेयर करना चाहूँगी, कढ़ाई को यूज़ करने से पहले एक बार आप उसे हल्का सा धो लें। धोने से क्या होगा, वो उसका जो सरफेस है, जो तला है, वो थोड़ा सा गीला रहेगा, तो दूध को गर्म करने में आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी और जो दूध है वो चिपकेगा भी नहीं। तो आप एक बार इस तरीके से करके देखेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा दूध को जलने या चिपकने से बचाने के लिए। तो इसमें एक बॉईल आने देते हैं। जब मलाई इसके ऊपर जमने लगे तो आप इसको इस तरह से साइड साइड में करते जाएं। ये प्रोसेस आप जितनी बार मलाई इसमें क्रिएट हो उतनी बार ही आप इसे करते रहें। इससे हमारी जो रबड़ी है वो बहुत ही ज्यादा मलाई की खुरचन यानी लच्छे वाली बनेगी। आप देख सकते हैं दूध आधा हो गया है, तो जो इसके कोने की जो ये मलाई है इसको मैं इस तरह से स्क्रैप कर देती हूँ, एक बार मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/3 कप चीनी, आप मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप मिल्क पाउडर, अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, चीनी को घोल लेंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है और हमारा मिल्क पाउडर भी अच्छे से इसमें मिल गया है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 धागे केसर के और अच्छे से इसे चला देंगे। आपको गर्म दूध में केसर के धागों को भिगोने की जरूरत नहीं है, केसर अगर अच्छा क्वालिटी का है तो वो डायरेक्ट ऐसे गर्म दूध में भी अपना फ्लेवर और कलर रिलीज कर देगा, तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का केसर ही आप यूज करें। अब फ्लेम को मैं कर रही हूँ मीडियम टू हाई। अब इसे लगातार मैं मिलाते हुए चलाऊंगी जब तक कि ये 1/3 क्वांटिटी में ना रह जाए। दस मिनट में ही हमारा जो दूध है वो 1/3 क्वांटिटी में रह गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। अब इसे हम 2 मिनट के लिए चलाएंगे, बस हमारी जो रबड़ी है वो बनके ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। बस इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हम इसमें पकने देंगे, तो 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे। और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कितनी थिक हो गई है। ठंडी होने के बाद ये रसमलाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी हमारी बन जाएगी। तो हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, नहीं तो रसमलाई इसे अच्छे से सोक नहीं करेगी, तो उसके लिए आप इसे ज़्यादा गाढ़ा ना करें। तो अब इसे 2 मिनट हम और चला लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स और इलायची अपना अच्छे से फ्लेवर रिलीज करें, ड्राई फ्रूट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हो गए हैं और हमारी रसमलाई के लिए रबड़ी बनके तैयार है। गैस ऑफ कर देंगे। हमारी रबड़ी
बन के रेडी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे एक बाउल में उतार के। तो अब हम अपने आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब तक हमारी रबड़ी ठंडी हो रही है, हम रसमलाई के लिए स्टफिंग बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें ऐड करूंगी 1/4 पनीर। अब इसमें ऐड करूंगी 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी, चुटकी भर इलायची पाउडर, थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट्स जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है, ये पिस्ता और बादाम है, आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर ये टोटल ऑप्शनल है। 1 टीस्पून मिल्क। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी इसे साइड रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड ले ली है, ताजी ब्रेड लेनी है आपने। तो अब मैं इसके जो एजेस हैं वो काट लूंगी। आप इन ब्रेड के एजेस को फेंके ना, इसका ब्रेड क्रम्स बना के रेडी कर सकते हैं घर में। तो इस तरह से ब्रेड के एज काट देने हैं बिल्कुल, और इसको साइड रखेंगे ऐसे इस तरह से। अब हम इसके सर्कल काटेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर से इसे काट लें, नहीं तो नॉर्मल ऐसे ग्लास सबके घर में होते ही है तो आप इससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, बीच में रखिए बिल्कुल और इसे प्रेस कर दीजिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप कटा है। तो इसे मैं रख लेती हूँ साइड और दूसरा भी इसी तरीके से काट लूंगी। तो जितनी रसमलाई आपने बनानी है उतनी ही ब्रेड्स आप काट लें। तो इसको पहले हम रेडी कर लेंगे ब्रेड काट के और सर्कल बना के। हमारी रसमलाई के लिए ब्रेड की स्लाइस कट के तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो अब हम स्टफिंग करेंगे हमारी रसमलाई के लिए। यहाँ पहले एक स्लाइस ले लेंगे, इसके ऊपर हम मिल्क को हल्का हल्का सोक करवाएंगे। ये एक और दूसरी स्लाइस पे भी। अब हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और इसके बीच में रख देंगे, हल्का सा फैलाएंगे, सिर्फ सेंटर में ही इसको फैलाना है। दूसरी स्लाइस इसके ऊपर रख देंगे और इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, और इसकी जो साइड है उसको अच्छे से सील कर देंगे। ये रेडी हो गया है स्टफिंग, साइड रख देंगे और इसी तरह से हम ये सारी बना के रेडी करेंगे। हमारे स्टफ ब्रेड स्लाइस रेडी हो गई हैं, इन्हें साइड रख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी भी इतना काम करने में अच्छी खासी ठंडी हो गई है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, ब्रेड की स्लाइस कट चुकी है और हमारी रबड़ी भी तैयार है। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी। इस रेसिपी को आप एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कुछ नया अगर आपने इस रेसिपी में सीखा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़ के। तो मैं आशीष शुक्ला मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।